हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सीपेज एनालिसिस, सॉयल मैकेनिक्स का टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फ्रियेटिक लाइन इन एन अर्थन डैम। अर्थन डैम में जो फ्रियेटिक लाइन होती है उसकी शेप होती है पैराबोलिक शेप, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ए फ्रियेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन ए डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर ऑप्शंस हैं पॉजिटिव इक्विपोटेंशियल, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड नेगेटिव इक्विपोटेंशियल लाइन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो फ्रियेटिक लाइन होती है उसके नीचे पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ए फ्रियेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन ए डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ए सैंड डिपोजिट हैज ए पोरोसिटी ऑफ 1/3 एंड इट्स बेसिक ग्रेविटी इज 2.5। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है g-1/1+e। पोरोसिटी दे रखी है हमको, तो हम क्या निकाल लेंगे? बॉयड रेशियो निकाल लेंगे। बॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? n/1-n, ठीक है, या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का एक और फॉर्मूला होता है g-1 × 1 - n, ठीक है, ये होता है पोरोसिटी वाला फॉर्मूला। तो जी माइनस के वन क्या हो गया? 1.5 हो गया, और 1 - n क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? सी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, g-1/1+e और g-1 × 1 - n। n यहाँ पर पोरोसिटी है, e बॉयड रेशियो है। सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स, सीपेज प्रेशर डायरेक्शन ऑफ फ्लो में एक्ट करता है। सीपेज प्रेशर एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन में सीपेज प्रेशर एक्ट करता है। ड्यूरिंग सीपेज थ्रू ए सॉइल द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज। जब सीपेज हो रहा हो सॉइल से तो जो डायरेक्शन होती है सीपेज की वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल लाइन्स के, इक्विपोटेंशियल लाइन्स के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है और डायरेक्शन ऑफ फ्लो में होती है। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, जो सीपेज होता है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो में होता है, सेकंड थिंग इक्विपोटेंशियल लाइंस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। द क्वांटिटी ऑफ सीपेज इन ए 25 मीटर हाई डैम, हाइट दे रखी है 25 मीटर हमको। इम्परवेबल फाउंडेशन इज स्टोरिंग वाटर अप टू 20 मीटर हाइट। If the construction soil is assumed to behave in a homogeneous and azeotropic manner, coefficient of permeability दे रखी है 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड। फ्लोनेट डायग्राम में चार फ्लो चैनल्स दे रखे हैं और 20 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप दे रखे हैं और पूछा गया है एस्टिमेटेड सीपेज पर यूनिट लेंथ। तो एस्टिमेटेड सीपेज निकालने का फॉर्मूला होता है KHNF/ND, ठीक है। यहाँ पर के क्या है? कॉपिशियंट ऑफ परमेबिलिटी, एच है हाइट, और एन एफ क्या है? फ्लो चैनल्स का नंबर जो कि 4 दे रखा है, और एन डी दे रखा है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप का नंबर जो कि 20 दे रखा है। वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आप पर ए ऑप्शन। डिपॉजिट ऑफ फाइन सैंड हैज पोरोसिटी एन, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था g-1 × 1 - n, ये फॉर्मूला होता है जो कि ए ऑप्शन में है। ए फ्लोनेट इज ड्रोन टू ऑप्टेन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। फ्लोनेट किस लिए काम में आता है, ठीक है, याद रखना है आपको। फ्लोनेट से हम एग्जिट ग्रेडियंट पता लगा सकते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर पता लगा सकते हैं और सीपेज क्वांटिटी बता सकते हैं, ठीक है। एग्जिट ग्रेडियंट परमेबिलिटी नहीं बताता है, ये सीपेज प्रेशर बताता है, ठीक है, और इसके अलावा अपलिफ्ट प्रेशर और सीपेज क्वांटिटी तीनों चीज़ें बताता है, एग्जिट ग्रेडियंट, अपलिफ्ट प्रेशर और सीपेज क्वांटिटी, फ्लोनेट डायग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ एन अर्थ डैम फॉर स्टडी सीपेज केस द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट वुड बी। स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए स्टडी सीपेज केस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट है वो होता है कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट है। द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर दी सेंट्रल इम्पर्वियस कोर ऑफ ए जोन एम्बैकमेंट टाइम डैम इज क्ले मिक्सड विद फाइन सैंड, क्ले मिक्सड विद फाइन सैंड ये मोस्ट सुटेबल मटेरियल है
फॉर सेंट्रल इम्पर्वियस कोर ऑफ जोन एम्बैंकमेंट टाइप डैम। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर इज फ्लो फ्रॉम ए सॉइल ऑफ परमेबिलिटी के वन टू के टू, द एंगल थीटा वन एंड थीटा टू विद द फ्लो लाइन मेक्स विद द नॉर्मल टू द इंटरफेस आर रिलेटेड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, टेन थीटा वन अपॉन टेन थीटा टू इजिकल टू के वन अपॉन के टू। ठीक है, ये रिलेशन है जब फ्लो हो रहा हो दो परमेबिलिटी में के वन से के टू में, एंगल हो थीटा वन से थीटा टू, टेन थीटा वन अप थीटा टू बराबर के वन अपॉन के टू। इफ एन एफ एन डी एंड एच आर दी टोटल नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड हाइट। ठीक है, तो हमसे पूछा है दी डिस्चार्ज फ्लो पर यूनिट लेंथ क्या होगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ, के एच एन एफ अपॉन एन डी। यहाँ पर एन एफ क्या है, फ्लो चैनल्स का नंबर, और डी एन डी है ड्रॉप्स का नंबर। तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, के एच एन एफ अपॉन एन डी। अगला क्वेश्चन है, इफ फ्रीएटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन डैम सेक्शन बिलो विच देयर आर। तो मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है फ्लो लाइन के नीचे, फ्रीएटिक लाइन के नीचे। इफ फ्लो लाइन इन सीपेज थ्रू ए सॉयल मीडियम इज डिफाइंड एज दी, फ्लो लाइन क्या होती है, फ्लो लाइन डिफाइंड होती है पथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड सॉयल मायल्स। ए फ्लो लाइन इन सीपेज थ्रू ए सॉयल मीडियम इज डिफाइंड एज द पथ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर थ्रू सैचुरेटेड सॉयल मास। ए ऑप्शन करेक्ट है। ए फ्लोनेट कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल द लिस्टेड पर्पज बिलो एक्सेप्ट डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज, डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। तो ये गलत है, डी हम नहीं कर सकते हैं फ्लोनेट की सहायता से। फ्लोनेट की सहायता से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर निकाल सकते हैं, और सीपेज निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तीन चीज़ें निकाल सकते हैं। इस सॉयल हैज ए डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, वॉयड रेशियो हमको दे रखा है, हमसे पूछा है सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बी एस इजकल टू बी अपॉन एन, एन क्या है यहाँ पर पोरोसिटी, तो वॉयड रेशियो हमको दे रखा है, पोरोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे हम ई अपॉन वन प्लस ई से, पोरोसिटी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, तो हम बी एस इजकल टू बी अपॉन एन इस फॉर्मूले में रख देंगे। बी यहाँ पर वेलोसिटी है और एन यहाँ पर पोरोसिटी है, तो इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्या, ए ऑप्शन 18 × 10⁻⁷। अगला क्वेश्चन है, बॉयड रेशियो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ ए सॉइल, वही सेम क्वेश्चन है, सीपेज वेलोसिटी हमसे पूछा है, सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बी एस इजकल टू बी अपॉन एन, एन यहाँ पर पोरोसिटी है, वैल्यूज पुट कर देंगे, बॉयड रेशियो दे रखा है, पोरोसिटी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, एन बराबर ई अपॉन वन प्लस ई से। अगला क्वेश्चन है, क्विक सैंड इज ए, क्विक सैंड एक टाइप की कंडीशन है, तो क्विक सैंड इज ए फ्लो कंडीशन ऑश्योरिंग इन कोइजन लेस सॉइल, ये कोइजन लेस सॉइल में होती है, ये भी आपको याद रखना है, जो क्विक सैंड कंडीशन है वो कोइजन लेस सॉइल में होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम अंडर स्टडी सीपेज कंडीशन, स्टडी सीपेज कंडीशन में जो अपस्ट्रीम स्लोप है वो अर्थ डैम की, वो रिप्रेजेंट करती है इक्विपोटेंशियल लाइंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थ डैम अंडर स्टडी सीपेज कंडीशन इक्विपोटेंशियल लाइंस, पाइपिंग इन सॉइल ऑश्योर्स बेन, पाइपिंग कब होती है सॉइल में, जब इफेक्टिव प्रेशर जीरो हो जाता है, पाइपिंग इन सॉइल्स ऑश्योर्स बेन इफेक्टिव प्रेशर बिकम्स जीरो, जब इफेक्टिव प्रेशर जीरो हो जाता है तो सॉइल में पाइपिंग होती है।